राधे राधे दोस्तों, कुकुबित उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी सोयाबीन के मोमोज बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन मोमोज बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी सोयाबीन ली है। हम इसे गर्म पानी में डालेंगे। हमने यहाँ पे एक भगोने में 2 कप गर्म पानी लिया है। हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे और 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और डो तैयार करेंगे। डो लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक परात में 1 कप मैदा लिया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। आप देख सकते हैं हमारे डो में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। हम अपने डो को 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 30 मिनट हो गए हैं, हमारे सोयाबीन अच्छी तरीके से फूल गए हैं। हम इनका पानी निकालते हुए इन्हें एक प्लेट में रखेंगे। हमने सोयाबीन का पानी निकाल लिया है। हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसमें कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक डालेंगे, बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। कद्दूकस की हुई 1 गाजर डालेंगे, बारीक कट की हुई 1 शिमला मिर्च डालेंगे और हल्का सा पकाएंगे। हमने इसे हल्का सा पका लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई सोयाबीन डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 30 मिनट हो गए हैं, हम डो को फिर से एक बार मस लेंगे। हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। हम इसके ऊपर सूखा मैदा डालेंगे और बेलन की मदद से बेलेंगे। हमने इसे बेल लिया है। हम इसके ऊपर 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और मोमो का शेप देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें मोमो का शेप देना है। हमारा मोमो तैयार है। हम बिल्कुल इसी तरीके से सारे मोमोज बना के तैयार कर लेंगे। हमने सारे मोमोज बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम छलनी में तेल डालेंगे और इसे ग्रीस करेंगे। हम इसमें एक एक करके मोमोज रखेंगे। हमने छलनी में सारे मोमोज रख दिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में 1 कप पानी डाल दिया है और बीच में एक कटोरी रख दी है। आप कटोरी की जगह किसी भी स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पानी में उबाल आ गई है। हम कटोरी के ऊपर छलनी रख देंगे। हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारे मोमोज पक गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। हमारे हेल्दी सोयाबीन के मोमोज तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।